नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है मनीष अरोड़ा द फार्मासिस्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेट ऑफ थ्री स्टे हार्ड रिंग्स के बारे में। आपने सुना होगा इनके बारे में, काफ़ी लोगों ने इनको यूज़ भी किया होगा, लेकिन इसको यूज़ करने का सही तरीका अगर आपको पता होगा तो आप अपनी टाइमिंग और हार्डनेस की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे और अपना प्लेजर बढ़ा पाएंगे, अपना एंजॉय बढ़ा पाएंगे। क्योंकि इनको यूज़ करना उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जिनको अर्ली इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है या इनको जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो अपना प्लेजर और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि रूटीन लाइफ से उनको वो बोर हो गए हैं, उन्होंने रेगुलर सेक्स करना है और वो रेगुलर सेक्स करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और बेटर सेक्स होना चाहिए था, थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम होना चाहिए था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टे हार्ड रिंग्स, बहुत ही एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। थोड़ा सॉफ्ट होता है ये, तो इसको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना होता है। दो टाइप की पैकिंग आती है इसकी, एक तो ये ट्रांसपेरेंट है इसकी और एक ये ब्लैक कलर की है। मैं इसमें से एक आपको खोल के दिखाता हूँ, इनको यूज़ किस तरह से करना है वो भी बताता हूँ। ये तीन रिंग का सेट होता है जिनको आपको सिंगल, पहली बार में सिंगल रिंग ही यूज़ करनी है, उसके बाद में आप दो रिंग और तीन रिंग एक साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सिंगल रिंग से काम चल गया, आपका टाइमिंग बढ़ गया, आपकी हार्डनेस की प्रॉब्लम ठीक हो गई, काफ़ी लोगों को तो ये प्रॉब्लम है कि वो उनका पेनिस इरेक्शन होते ही लूज़ पड़ जाता है, इरेक्शन होते ही उनको लगता है कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इजैकुलेट कर गया और लूज़ पड़ गया, या फिर सेक्स करते करते ही लूज़ पड़ जाता है, उन लोगों के लिए आइडियल प्रोडक्ट है ये। क्योंकि इसका साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं, ये पेनिस में ब्लड का फ्लो आने के बाद उसको होल्ड कर लेता है ताकि आप जल्दी इजैकुलेट नहीं करते, जल्दी आपका टाइमिंग ख़त्म नहीं होता। इसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं, तीन रिंग्स हैं इसमें, ये सबसे स्मॉल रिंग है। देखिए आप, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सिलिकॉन की, सॉफ्ट सिलिकॉन की बनी हुई है। और अगर आप इसको लुब्रिकेंट के साथ में यूज़ करेंगे तो इसकी क्वालिटी, ज़्यादा दिन तक आप इसको यूज़ कर पाएंगे, सेफ रहेगा, टूटेगी नहीं। ये इसकी मीडियम रिंग है, मिडिल साइज, और ये तीसरी रिंग है इसकी, बिग साइज़ की। तो तीन साइज़ हैं इसमें। अब तीनों को लगाना किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। इनके साथ लुब्रिकेंट जरूर यूज़ करें और कॉन्डम अगर आप यूज़ कर लेते हैं इसके ऊपर तो आपको बहुत ही एंजॉय बढ़ जाएगा, प्लेजर बढ़ जाएगा, आपकी वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये एक तरह से उसके अराउजल का काम भी करेगी। दोस्तों सबसे पहली रिंग आपने लगानी है बिल्कुल ग्लांस के ऊपर, जैसे आपकी स्किन आपने पीछे कर ली, उसके बाद आप इसको लगा लें, पेनिस पूरा टाइट हो जाए, उसके बाद में सबसे पहले लुब्रिकेंट लगाएं, उसके बाद ये रिंग को चढ़ा लें। ये रिंग आगे की तरफ रहेगी, मान लीजिए ये ग्लांस है तो इसके आगे की तरफ रहेगी, ये आपका प्लेजर बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी क्योंकि इस रिंग से फीमेल को भी अराउजल होता है। इसके ऊपर आप कंडोम पहन सकते हैं, आपको अच्छा। उसके बाद दूसरी रिंग जो है ये मीडियम साइज की रिंग है, ये इस बॉटल को मैं एज ए पेनिस ट्रीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पेनिस इस पे दिखा नहीं सकता। आर्टिफिशियल पेनिस के काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं लेकिन उसको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये काफ़ी लोगों को इससे ऑब्जेक्शन हो जाता है और फिर थोड़ा सा ठीक भी नहीं लगता। तो बीच ये सेकेंड वाली रिंग है जो इसको आपको जस्ट टेस्टिल्स के पास में लगाना है, अपनी बॉल्स के थोड़ा सा आगे की तरफ लगाना है। अगर आपको सिंगल रिंग से काम चल जाता है, आपको ज़रूरत नहीं है दूसरी और तीसरी रिंग यूज़ करने की, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सिंगल रिंग से काम नहीं चला, आपका टाइमिंग उतना ही रहा, आपका बढ़ा नहीं टाइम, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी और तीसरी रिंग को फिर आप एक साथ यूज़ करें, एक तो आपको बॉल्स के आगे लगाएं और दूसरी तीसरी वाली रिंग इसको बॉल्स के पीछे की तरफ लगाएं। दोस्तों इसके साथ लुब्रिकेंट जरूर यूज़ करें, इसकी क्वालिटी अगर आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है तो आपको ऐसा नहीं हो कि आप एक दो बार में इसको तोड़ दें या ख़राब कर लें, तो आप लुब्रिकेंट साथ में यूज़ करें तो ये ज़्यादा टाइम तक आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके ऊपर आप कॉन्डम पहन लें, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही सेफ रहेगा। एक तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्डम वैसे भी ज़रूरी है, दूसरा आपका प्लेजर बढ़ाने के लिए अगर आप इस पर कॉन्डम पहन लेंगे तो ये स्टेबल रिंग रहेंगी, उसके बाद आपका आपकी जो वाइफ है उसका प्लेजर भी बढ़ेगा इससे। तो आप ये इसको यूज़ करें और देखें कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। वैसे इसके रिव्यूज़ गूगल पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, आपको अच्छा लगेगा इसको यूज़ करना भी, आपका टाइमिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। एक चीज़ और है, बहुत ही बोनस टिप मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप कुछ खाने की गोलियाँ यूज़ करते हैं या कुछ स्प्रे या जेल यूज़ करते हैं तो उनसे साइड इफ़ेक्ट का खतरा बिल्कुल बना रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं कि सेफ़ प्रोडक्ट कौन से हैं, कौन से प्रोडक्ट आपको सेफ्टी के लिए अच्छे हैं। लेकिन कुछ भी चीज़ आपने बॉडी में अंदर गई आपके, तो आपके लीवर और किडनी पे तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा ही, मेटाबॉलाइज वहीं होनी है, तो उससे आपको साइड इफ़ेक्ट होने का रिस्क भी हो सकता है। कुछ लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है,
तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको यूज़ नहीं करनी पड़े, आप सिर्फ आपका इन रिंग से ही काम चल जाता, तो आपको खाने की कोई भी गोली नहीं खानी, आपको कोई स्प्रे जेल यूज़ नहीं करना, आपका टाइमिंग वैसे ही इंक्रीज़ हो गया, आपका स्टेमिना बढ़ गया, आपका हार्डनेस बढ़ गई। इस रिंग को यूज़ करने से बहुत ही सेफ भी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों देखते रहें हमारा चैनल, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दें। दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, द फार्मासिस्ट सर्च करें, द फार्मासिस्ट के नाम से इंस्टाग्राम पर भी हमारे दो हैंडल्स हैं, फार्मासिस्ट 1 और फार्मासिस्ट 2, उस पर भी आ सकते हैं आप, हमारे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देख सकते हैं, ऑफर्स देख सकते हैं, डील्स देख सकते हैं, और हमारी ऑनलाइन स्टोर भी है, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।